अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू कॉमेडी किंग्स। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा अली। नाज़रीन, कॉमेडी का स्टेडियम लग चुका है और हमारे कॉमेडी किंग्स पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखना यह है कि कौन हमारी क्रिकेट टीम की तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का मुंह तोड़ जवाब देता है या पिच पे ही गिर जाता है। कौन लगाएगा हंसी का और कौन कर देगा हंसी क्लीन होल्ड। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कॉमेडी किंग्स में राउंड, स्पोर्ट्स राउंड में। और अब मैं दावत स्टेज पर चालबाज टीम से शकील शाह, जाकिर मस्ताना और सिकंदर सनम को। गोलीबाज टीम से तशरीफ ला रहे हैं रऊफ लाला, परवेज सदीकी और इस्लाम शाह। ये पता करना था आखिर आप हो कौन। हाँ। आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। अपने परवेज जी, जी इनका नाम क्या है? नताशा। नताशा, ये इस्लाम शाह। ओ जी ये शाह जबल में है, ओ जी ये शाह जबल में है, ओ जी ये ना करो। नताशा, इस्लाम शाह, हमारे पास भी है मेवा शाह जी। हमारे लिए कोई हुक्म? आपके लिए हुक्म अभी तो नहीं है, मेरे ख्याल में पहले रिजल्ट अनाउंस कर देना। हाँ, रिजल्ट, रिजल्ट है ना। हम सुबह से स्कूल आए हैं, रिजल्ट अनाउंस कर दें प्लीज साथियों। हाँ जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। हमारे साथ मम्मी फिल्म के अब्बू भी हैं। मुंह खोलना, अभी मक्खियां निकलेंगी अंदर। चले जी। एनी लास्ट एपिसोड चार टीम थे 48 पॉइंट्स और उन्हें अब मिले हैं 6 पॉइंट्स मोर, तो जाते हैं 54 पॉइंट्स चालबाज के। गोलीबाज टीम के लास्ट एपिसोड में थे 52 पॉइंट्स और अब उन्हें मिले हैं 4 पॉइंट्स मोर, तो हो जाते हैं टोटल 56 पॉइंट्स। आप लोग तशरीफ रखिए प्लीज। ओके, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। स्टार्ट लेते हैं अपने प्रोग्राम का यहाँ से, स्पोर्ट्स राउंड से। और गोलीबाज टीम से मैं इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पर इरफान मलिक और अली हसन को। बंद करो, बंद करो वसीम, बंद करो। ये तो मेरी एंट्री का म्यूजिक हो गया, अब ट्रेजेडी म्यूजिक लगाओ। आज स्पोर्ट पे बातें करनी है, किस पे करें? हमारे मुल्क से तो क्रिकेट ही खत्म हो गई। आओ हम सब इसके लिए फातिहा पढ़ ले। या अल्लाह, हमारे मुल्क में क्रिकेट को दोबारा आबाद कर दे, ताकि हमारे खिलाड़ियों का सट्टे में कमीशन बन सके। आज मैंने इरफान मलिक को भेज दिया उसकी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए, और बड़ी मुश्किलों से मैंने आज बुलाया जय सूर्या को। वो इतना डरा हुआ था, वो आ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से आया, डर डर कर रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ गया, आने वाला होगा। कहाँ रह गया जय सूर्या मैन? हाँ, हम आ जाए। यस। कोई बम तो नहीं है? नो, मैं खुद बम हूं। कोई पटाखा? नो। कोई फुलझड़ी? नो। ओके, आ जाओ। No, no, no. Okay? Okay. 1 minute, please. Oh. English में फस के निकल रही है। क्या हो गया? कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं है। अरे वहां से सिर्फ आइटम ही निकलेंगे। ओके ओके ओके,
No, no, no. पुलिस मुजरा दिखाओ. क्या हो गया? ओ भाई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है. तुम्हारे बाप का नौकर है? पूरे सेट को चेक करेगा ले यार. वन मिनट. हाँ अपने पे भी भरोसा नहीं हो सर. मैन हाँ अल्लाह का शुक्र है. हाँ कुछ भी नहीं है. हाँ तेरे अंदर पहले ही कुछ नहीं है. माफ करे है कितना काला. जिस साबुन से नहाता होगा थोड़ी देर के बाद वो साबुन नहाने चला जाता होगा. मैन नो 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 प्लीज. आई बो सलाम कर रहा है मैन. अच्छा अच्छा बोन 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 सलाम कर रहा है. क्या बात है माशाल्लाह. अंधेरे में चमकते हुए आदमी मुंह पे क्या पॉलिश करवा कर आए होगा? मैन पॉलिश नहीं कराया है. फिर फिशल करवाया है. वे तो लोग क्रीमों से फिशल करवाते. तू क्या ऑयल से करवा के आया क्या? नो 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 प्लीज मैन. अबे क्या इंग्लिश मेरे लिए सीख कर आया क्या? हम इस शो में आ रहा था. हाँ तो हमने सोचा फिशल करवा लो. क्या बात है फिशल करवाया. एक मिनट एक मिनट. ये क्या किया है मैन? दर्द हो रहा था आयोडेक्स लगाई है. मतलब हुआ क्या था शुरू से बताएं. वो जो आप पर हमला हमला हुआ था ना वो बताइए आप. मैन हम तुमको बताता है. हाँ बताओ. मैन जैसे ही हमारा बस हाँ हाँ लिबर्टी चौक पे हाँ हाँ मैन हाँ हाँ प्लीज टेल मी. हाँ हाँ सुन रहा हूँ. हाँ जैसे ही हमारा बस लिबर्टी चौक पे मैन जैसे ही हमारा लिबर्टी चौक चौक मैन हाँ जैसे ही हमारा बस लिबर्टी उधर क्या तुम्हारा बाप खड़ा है? उधर क्यों देख रहा है मैन? इधर देखो. नो 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 चल ना. नो 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 अल्लाह माफ करे. दिल का मैल भार आया हुआ तेरे तो. हाँ बोलो. हाँ अरे एक बात बताओ. हाँ जो में जो गोलियां चली गोलियां हाँ मैन वो हर खिलाड़ी आपका अपना खिलाड़ी तुम पर शक कर रहा था. वजह क्या थी? मैन हमको असल में गैस का बीमारी है. हमारा खिलाड़ी समझा के ये बार बार मिस कॉल हम मार रहा है. ये तो बाद में पता लगा कि घंटा फ्री पैकेज है. दिश्याम, 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 दिश्याम। आराम से खड़ा हो जा श्रीलंकन. आराम मलंग हो रहा है माशाल्लाह से. क्या बात है हंस रहा है. नो 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 सीधा खड़ा हो जा. नो क्या बच्चा. वैसे एक बात बताऊं. यस तुम्हारे मुल्क में मच्छर तो नहीं होते होंगे? नो हाँ एक नस्ल की चीजें एक जगह रहती नहीं है ना. नहीं उल्टा सीधा बात नहीं करो. नो 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 अबे वैसे तुम लोग मरने के बाद दोजख में भी नहीं जाते होगे. वो क्यों? इससे ज्यादा और क्या सजा देंगे? मैन तुम हमको इतना जलील कर रहा है. हाँ? हम इस शो में इंटरव्यू के लिए आया है. हाँ? तुम्हारे घर पे रिश्ता लेने नहीं. सीधा खड़ा हो जा इंसानी मुंह के मच्छर. हाँ आराम से. अबे सेब है, सेब है. मैन हमको तो ये भी ग्रेनेड लगता है. एक बात बताओ. अच्छा एक बात बताओ तुम दोबारा पाकिस्तान खेलने आओगे? नो 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 क्यों? हम अपना इंश्योरेंस का पैसा इतना जल्दी लेना नहीं चाहता है. माफ करे है कितना काला. जब हमारे फौजी भाइयों ने इन सबको हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जाने लगे तो कौओ ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया और कह रहे शोर मचा मचा के हमारे भाइयों को छोड़ो हमारे भाइयों को. मैन एक बात बताओ मैन. जब कोई भी टीम तुम्हारे कंट्री में खेलने नहीं आएगा हाँ? तो तुम्हारे ग्राउंड का क्या होगा? पाकिस्तानी दिमाग है. ग्राउंड का हम क्या करेंगे? हाँ? बकरा ईद पे बकरा पीढ़ी आम दिनों में शादी ब्याह के लिए चल भाई. और मैन तुम्हारा खिलाड़ी क्या करेगा? वो पहले कौन सा खेलते थे उसी ग्राउंड के बाद शरबत का ठेला लगा लेंगे. दो रुपया गिलास ठंडा डार पिए बार बार पिए. दो रुपया एक गिलास हमको भी दो. दो रुपया सीधा खड़ा हो जा. नो 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 ना नो नो नो
तू क्या यही सीख कर आया क्या? नो नो नो, आराम से खड़ा हो जा। वैसे मैन एक बात बताओ, वो जिस ड्राइवर ने हमको बचाया था उसको तो बहुत पैसा मिला है, लाखों रुपया मिला है। हाँ मैन, उसका लाखों रुपया देखकर हमारी एक अदाकारा मीरा ने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। नो, ड्राइवर सियाणा था, उसने उसके साथ सिर्फ तस्वीर ही खिंचवाई, बाकी पैसा जेब में रख के घर निकल गया। वैसे मैन हम तुमको एक बात बताए, क्या? हमारा श्रीलंका का जितना भी खिलाड़ी है वो उस ड्राइवर से बहुत खुश है। अबे खुश है? तुम्हारे ये मुरलीधरन ने उसके साथ क्या हरकत की है? मैं कुछ नहीं किया है? अपना टी शर्ट उतार के उसको गिफ्ट किया है। अबे काय की टी शर्ट, 6 दिन की मैली शर्ट उसको उतार के दे दी, 6-7 आदमी बेहोश होते होते बचे। मैन वो टी शर्ट तो उसने रात को ही धोया था पीले साबुन से, 10 रुपए का हमने ला के दिया था। ऐसी कुछ भी मैन कुछ है क्या? नो नो, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। अबे लाइटें लगी हुई है, लाइटें। अच्छा मैन हमको अच्छा ये जूते पहन कर आया, ठीक है। हाँ ठीक है। कैमरा हिल। मैन बताओ। बता, तुम क्यों डर रहे हो? आराम खड़े हो जाओ, काहे का डर रहे हो तुम? वैसे मैन एक बात है। हाँ बोलो। वो जो बस ड्राइवर है ना, हाँ? उसको श्रीलंका का जो कंट्री है, हाँ? उसने पासपोर्ट देने का वादा किया है, नेशनलिटी देने का वादा किया है। कोई फायदा नहीं नेशनलिटी देने का, हाँ? वो उसके बाद भी पाकिस्तान में रहेगा, उसे श्रीलंका तो आती नहीं है, सबको आई बोन करता रहेगा। आई बोन। क्या फायदा? लेकिन मैन हम तुमको आज एक बात बता देवे। क्या? हमको पाकिस्तान पे बहुत फखर है मैन। हाँ ये बात तो है यार। मैन पाकिस्तानी वो कौम है, हाँ? जिसने पूरी दुनिया को बता दिया है, हाँ? कि हम अपने मेहमानों की जान बचाना जानते हैं, जान लेना नहीं। वाह, थैंक यू। हाँ, जी तो नाजरीन, अभी आपने देखी गोलीबाज टीम से इरफान मलिक और अली हसन की परफॉर्मेंस, कैसी लगी आपको? और अब मैं स्टेज पर दावा देने जा रही हूँ चालबाज टीम से चांदपुरी और शकील सदीकी को। हेलो, हाँ 2 पेटी लगा दो भाई, आम की पेटी नहीं होए, नोटों की पेटी लगा दे, वेस्ट इंडीज अंदर है। किस केस में? अबे केस वेस में नहीं है, वैसे ही अंदर है। हाँ 2 पेटी लगा दो। ओके ओके। उधर खड़ी हो जा, तेरी चीजें गिरनी शुरू हो जाएंगी। बस ओए चुड़ैलों की मलका शराफत। मलका शराफत कौन है वे? ये मलका शराफत वो औरत है जो औरतें जाती ना, 3 गज कपड़ा दे दें, 6 गज कपड़ा दे दें, ये जाके कहती 1 निवाला कपड़ा दे दें। ये बात सुन, निवाले में मेरा 2 सूट बन जाएगा। ये कपड़ा क्या तंदूर पे लेने जाती है? 1 निवाला दे दे। हैं? मेरे साथ सीधी तरह बात कर वे। कर रहा हूँ इधर। मुझे ऐसा वैसा ना समझिए, मैं तुझे बताऊं। इधर खड़ी हो जा, ओ मूसा कॉलोनी की क्लियोपेट्रा। सफेद सुरमा लगा है क्या? सफेद सुरमा काले में काला मिक्स हो जाता है, ताके मेरी आंखों में मोतिया होता है। अरे मोतिया बताओ तुम हो कौन, दुनिया में क्या करने आई हो? अरे मैं इस गर्ल्स। अच्छा चर्च की बनी हुई औरत। अच्छा तुझे देख के मुझे नशा चढ़ गया तुझे? तू है कौन भाई? मैं बताया तुझे, तू मैं तुझे बताया तो है। चेयर्स गर्ल, करती क्या हो? करती क्या हूँ, तुझे नहीं पता क्या करते हम लोग? हाँ? मैं दांतों से चेहरों की नट खोलती हूँ। दांतों से नट खोलती है? तू तो घर पे बैठ के ना पड़ोसियों के पोल पट्टियां खोला कर, जैसा तेरा मुंह है। तेरा क्या मतलब है बे? पीछे क्यों जा रही है? तुझे रिवर्स गियर लगा हुआ है आज? एक जगह टिक के खड़ी हो जा बदसूरत औरत। मेरी बात सुन, मैं फ्रीलांसर हूँ, आराम से बैठ जा। आराम से फौजी बूट पहन के अपनी तरफ से सड़क पे आई है तू? कौन है तू? क्या मतलब है, क्या करती हो तुम? चेयर्स गर्ल्स हो? मेरी बात सुन,
जब ग्राउंड पे क्रिकेट का मैच होता है ना, हाँ। तो वहाँ जहाँ प्लेयर जो होते हैं चौका छक्का मारते हैं, हाँ। तो हम वहाँ नाचती हैं। माशाल्लाह, तुम्हें इस काम में लाया कौन है उसको बताओ, मैं उसको मारूंगा जलील आदमी को जो तुम्हें लाया इस लाइन। तो बताओ, पूछ रहा लाया कौन है, मैं अपने टैलेंट पे आई हूँ। अच्छा, अपने टैलेंट पे आई हो, ये बताओ तुम्हें टीम कौन सी पसंद है? टीमें तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही पसंद है। आए, पाकिस्तान की क्या बात है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे कीनिया को मार के खुश होती है बस, बाकी उसे मार खा रही होती है। तो बाकी टीमों का नहीं तुझे पता? बाकियों से भी हार के भी जीत रही होती ना, माल कमा रही होती है हमारी। तेरा क्या मतलब है बे? आराम से खड़ी हो जाओ बदबख्त सुरमई औरत। मतलब क्या तेरा? एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता। पूछ। तुम्हें क्रिकेटर कौन सा ना पसंद है? ओ दफा करा, मुझे वो राहुल द्रविड़ नहीं, इंडिया इंडिया का राहुल द्रविड़। ओ कुछ भी चल ठीक है जो तू कह रहा, हाँ। वो पसंद ही नहीं मुझे। क्यों? एक घंटे बाद तो चौका मारता है, इतना सुस्त बंदा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, तो सिवाग बहुत पसंद होगा। ओ दफा करा, वो तो सांस ही नहीं लेने देता। सांस नहीं लेना क्या मतलब? दे चौका, दे छक्का, दे चौका, दे छक्का, दे चौका, दे छक्का, दे छक्का। वो तो मारता ही रहता है हर वक्त। वो तो अपनी बीवी को घर जाकर मारता है बैट से कि ये छक्का। माशाल्लाह, पीली सिगरेट पहन के आई हो तुम? तू क्या नशेई है तू? कभी कहता चर्स जैसी हो तुम, कभी कहता सिगरेट जैसी हो, क्या हो तुम? अच्छा, एक बात बताओ। पूछ। तुम्हें माशाल्लाह क्रिकेटर अच्छे, ये पसंद नहीं है दोनों। अच्छे, ये बताओ टीमें कौन, शादी हुई तुम्हारी? शादी को दफा करा, तो शादी होती क्या है? एक दो इंसानों के मिलाप का नाम है। शादी हुई आपकी? कोई इंसान जाहिर है, कौन ये रिस्क लेगा, उसने मरना तो नहीं है ना। तेरा मतलब क्या है वे? खबरदार ऐसी बात की तो। ओए ईंधन वाली औरत। बात सुन बे मेरी, गौर से सुन बात। मेरे जो आइडल है ना, वो फुटबॉल का खिलाड़ी। मैंने खुद बहुत अच्छा फुटबॉलर हूँ। हैं? फुटबॉलर हूँ मैं बहुत अच्छा। तेरी टांगे तो आपस में मिल रही, तो फुटबॉल कैसे खेलता है? जिनकी टांगे मिलती वो खेलते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, पूछ। और कौन आइडियल है? और बहुत आइडियल है मेरे। कौन? वो नहीं, वो रेसलर। रेसलर, वो क्या नाम है, खली वली। खली, खली इंडिया का, जितना इतना बड़ा मुंह है उसका। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह जाने, जैसे लगता है जैसे किसी हवेली का दरवाजा है। वो पसंद है? हाँ। क्यों मरना चाहती है तू? अल्लाह, उसका मुंह देखा, जितना तेरा वजन है उतना उसके मुंह का वजन है। खली का मुंह देखा, बोलता कैसे? कैसे बोलता? समझ में आया क्या बोला मैंने? तूने ये बोला क्योंकि किसी का बच्चा गुम हो गया, आके ले जाओ। अबे उसको खुद नहीं पता तो क्या बोल रहा है। अच्छा, हाँ अच्छा, मेरे और भी बड़े है? मेरे आइडियल है। कौन है? कौन है क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत आइडियल है? कौन से? इज़्ज़ामुल हक। उससे ना करना। क्यों? पंजाबी में रन किसको कहते हैं? औरत को। वो हमेशा रन आउट होता है, और वो पहला खिलाड़ी आउट होने के बाद भी पिच पे आधा घंटा चल रहा होता है कि शायद अंपायर बुला ले तरस खा के मेरे को दोबारा। अबे दफा करा इसको। हाँ, सुस्त है। तू ऐसे कर अपना, क्या नाम उसका, शुएब अख्तर, ठीक है उससे ना करना। क्यों? वो बहुत भागता, उसे दही मंगाओ लस्सी लेके आता है मनहूस। शुएब अख्तर को 5 साल के लिए बैंड कर दिया पता तुझे? अच्छा? पाकिस्तान में तो। अच्छा। उसने लोगों से अपील की, मुझे वोट दे के बचाइए वरना मैं अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा। लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या दिया? पेट्रोल दिया, बोले जल्दी करिए काम। यार ये तो बात तूने मेरे मुंह की कही। मुंह तेरा मुंह की क्यों कहूंगा, तेरा मुंह है मेरे मुंह जैसा। मुंह की कही। इधर आजा। अल्लाह ना करे। पहली औरत है जिसके कहां कहां बाल निकले मनहूस। अरे बात सुन ले, बालों की बड़ी पहचान है तुझे, जात का नाई तो नहीं तू? अच्छा एक बात बताओ, और कौन पसंद है? ऐसे कर तू, मेरा ख्याल है शायद अफरीदी से करवा दे। वो पहले कभी खेलता था, अब क्या मौत पड़ गई उसे? देखा नहीं तूने? क्या? एक मैच में बल्ला यूं किया, विकेट हो गई, कह रहा वेरी गुड, अकर के निकल गया। दफा करा इसको। और वैसे भी वो 9 बॉल पे छक्के मारता, क्या फायदा तू ग्राउंड के बाहर पड़ी हुई।
मैं दफा करा इनको, नए शो को दफा करा। मैं तो कह रहा हूँ ये रिस्क तू ही ले, ये रिस्क तू ले दे। तेरे से शादी मैं करूँ? कर रहे क्या हो गया? पहले कुत्ता किसका होगा जो मुझे काटेगा? क्योंकि पहले मुझे कुत्ता काटेगा, फिर मैं पागल होऊंगा, फिर तुझसे शादी करूंगा, इतना इंतजाम है। उसके बाद फिर माशाल्लाह यार, तू अपना मुंह देख, फेफड़े की माई, फेफड़े खाने वाली माई। माशाल्लाह मुंह देख तू, मुंह कर किसी फिरौन की विधवा। तेरे सारे इंसान वाले नहीं है, सुरमा भी लगाया हुआ तू। माँ सुर्खी तो देखो, समोसे पटरी पड़ी हुई है मेरी हर चीज पे। आप देखो जैसे खर्जे तुम्हारा सांप होता है। सांप तुझे कब मन औरत? अच्छा एक बात और, चौके छक्के पे नाचते हो? मैं तुमका इम्तिहान लेता हूँ। कैसे? ठीक है, मैं बोलूंगा चौका, तुम नाचना चौका। एक 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 पे तैरने हो गया, चौका नाची अब चो। मैं बोलूं चौका, फिर जब छक्का बोलो टेस्ट कर देना। ठीक है, छक्का चौका 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 छक्का चौका 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 छक्का चौका छक्का छक्का। अपनी चीजें समेट आ जा, खड़ी हो जा, सांस ले। मेहनत करके खाने में कितना लगता है बड़ा। जो हमेशा के कहता ना, अपना आया मत डालना खुदा के वास्ते। आपा उसे उसे आपा कह रहा, खुद नन्नी है। देखो ये तुमने कभी देखी दमे वाली औरत? देख लो गौर से। बोल। थैंक यू वेरी मच शकील साहब। क्या आपने? थैंक यू वेरी मच। आगे शकील साहब। बिहार में शकील साहब मियां को थैंक यू। मुझे पता नहीं था। जी तो नहीं ना, आप देख रहे थे शकील सिद्दीकी और चांदपुरी की परफॉर्मेंस। आई थिंक इट वॉज ग्रेट ग्रेट जॉब, आई लाइक देम सो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अब हम बढ़ेंगे गोलीबाज टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले शॉर्ट ब्रेक है। कैसे हैं आप? ऐसा हूँ, जबान की हड्डी टूटी है। मैं ऐसे हूँ, मुझे उम्मीद है। आप कह रही हो आई एम प्रेग्नेंट? उम्मीद आई एम प्रेग्नेंट। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आप लेके चलूंगी गोलीबाज टीम की तरफ। मैं दावत देने जा रही हूँ गोली से सलीम आफरीदी और सलीम शेख को। ख्वातीन हज़रात, मैं आपका मेजबान सलीम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख्वातीन हज़रात, जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश होती है हम अपने मुल्क के नाम और खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराएं, मगर हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि वो टाइम देकर आ नहीं पाते। आज हमने जिस खिलाड़ी को मदद किया, ये हमारी खुशकिस्मत है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने जो भी काम के लिए खेला, मुल्क के लिए खेला, और इतना खेला कि तीन तीन तक पिच पे खड़े रहे, हेलमेट पसीने आ गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुनिया का हर छक्का उन्हें मानता है, उनके शारजा के छक्के जो कमाल आया है, हमारे मुल्क के सारे खारजा में नहीं दिखा सके। आप समझ गए होंगे, तो मैं आपकी खिदमत में उन्हें बुलवाता हूं। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे मुल्क के मशहूर और मारूफ क्रिकेटर, हमारे मुल्क की नाक जावेद।
वेलकम कम माय शो। थैंक यू सलाम, आपने मेरे को इतना इज्जत दी, सो नाइस ऑफ यू जी, सो नाइस ऑफ यू, आपने मेरे को रिस्पेक्ट दी। अभी इंग्लिश नहीं जान समझता जाहिल, तेरा मुंह भी उर्दू मीडियम है तो खुद भी उर्दू मीडियम है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। नहीं मियादा साहब, इज्जत तो आपने हमें दी, क्या आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, कैसे हैं आप? ऐसा हूँ, बस जरा जबान की हड्डी टूटी हुई है, जबान की हड्डी, जबान की हड्डी नहीं समझता, तू तो खुद बनी बनाई हड्डी है। तब एक जबान की क्या टूट गई? बस वो एक दफा मैंने केच मुंह से पकड़ा था, बस जब से जबान लड़खड़ाती है। वेरी गुड मियादा साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका किसने रखा? असल में पैदा हुआ तो छोटा सा था, तो मुझे नहीं पता कौन रख के चला गया। छोटे होते हैं मियां, बड़ा भी नहीं होता, बचपन में सब छोटे होते हैं। तो कितना हो तू? कितना तेरा अब मुंह है, तू तो डेढ़ चाक का होगा। बात पूरी सुनो कि मेरा नाम जावेद मिलाद किन्ने रखा? किन्ने रखा? तो मतलब मैं छोटा, मुझे पता नहीं किसने रखा, किसने उठाया। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा नाम जावेद है, थोड़ा बड़ा हुआ तो शादी हो गई तो मैं मिया। उसके बाद क्रिकेट खेलने लगा, 10 मिनट फिर हो गए तो जावेद मिया हो गए। वेरी गुड मियादाद साहब, क्या डेफिनेशन की है आपने जावेद मियादाद की। मुझे ये बताइए क्रिकेट में कैसे आए? बल्ला लेके। नहीं आप समझिए, मेरा मतलब ये कि क्रिकेट में कैसे दाखिल? पहले स्कूल में दाखिल हुआ फिर क्रिकेट में दाखिल। ये बताएं कि आपको जो इज्जत क्रिकेट में मिली है वो किसी और को नहीं मिली, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैंने जब भी खेला कौम के लिए खेला, जब भी कमाया छक्कों से कमाया। छक्कों से कमाया, मगर आप तो शरीफ आदमी लगते हैं। अबे क्या हो गया, अबे वो कल्लू के लौंडे, मैं शारजा वाले छक्के की बात कर रहा हूँ, तू तारिक रोड वाले छक्कों की समझ रहा है। अच्छा मुझे ये बता मियादा साहब कि पहले की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में क्या फर्क है? पहले क्रिकेट होती थी, आजकल गिरगिट होती है, पता नहीं कब रंग बदल ले। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, पहले जब आप खेल कर वतन वापस आते थे तो लोग एयरपोर्ट पर आपके गले में हार डालते थे, अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अब हार तो वहीं से लेकर आते ना, वो स्टेडियम में जो हार मिलता है वही लेकर आते, तो कौम के खाक हार डालेगी वे? तू अब तो काले गुलाब की जैसा हो गया तू। कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए कि पहले क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, आजकल कम क्यों होती है? इसलिए कि अब वो जज्बा नहीं है, पहले टीम में टीम स्प्रिट होती थी, आजकल खिलाड़ियों का टेस्ट करा उनके पेट में से स्प्रिट निकलती है। एयरपोर्ट पे पकड़े जा रहे हो क्या है? तेरे जैसी चरस ही तो होती है। और पूछो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल के क्रिकेटरों में कौन सा खिलाड़ी पसंद है? मेरे को जी तेंदुलकर जी। अबे तेंदुलकर नहीं समझा, तेंदुलकर एक तो उसका नाम मुश्किल है, ऊपर से मेरी जुबान मुश्किल है, तू समझता क्यों नहीं है बे? मैं समझ गया, तेंदुलकर की बात। वेरी गुड। ये बताएं कि शाहिद आफरीदी के बारे में क्या ख्याल है? अबे बहुत बड़ा छक्केबाज है, लेकिन उसकी एक खूबी है, जिस दिन छक्के नहीं मारता वो जी, उस दिन चौके भी नहीं मारता। ये बताएं शोएब अख्तर कैसा खिलाड़ी है? ये तो किसी इंडिया की हीरोइन से पूछो, हमारे वालों को क्या पता, दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जो मैदान में नहीं खेलता, सिर्फ खबरों में खेलता है। वेरी गुड, वेरी गुड मियादाद साहब, वेरी गुड। हमने सुना है कि आपके दौर में आपका एम्पायर से बड़ा झगड़ा रहता था, मुझे ये बताएं कि खिलाड़ी एम्पायर का झगड़ा क्यों होता है? अब जब किसी पे उंगली उठाओगे तो वो लड़ेगा नहीं।
बड़ी अच्छी बात कही आपने, जाहिर है किसी की उंगली उठाएंगे तो लड़ेगा। ये बताएं आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैं जो है चाइना में क्रिकेट का सफीर हूँ। चाइना में क्रिकेट के सफीर हैं? तो क्या करूँ, क्या सारी जिंदगी छक्के मारता रहूँ क्या? चाइना वालों को क्रिकेट सिखा रहा हूँ, क्रिकेट। वेरी गुड। मेरा मतलब ये है कि चाइना में किस तरह चल रही है आपकी क्रिकेट की सिफारतकारी? अच्छी चल रही है, मगर बस बोलते बोलते कमर में दर्द हो जाता है। बोलते बोलते कमर में दर्द? अबे चाइना के खिलाड़ी छोटे कद के हैं ना, झुक के बोलना पड़ता है। बस खिलाड़ी उनके तो बल्ले से 11 इंच छोटे हैं। उनका ओवर भी 40 बॉलों का होता है। 40 बॉलों का ओवर क्यों? छोटे कद के बॉल ऊपर से, हर बॉल नो बॉल। अच्छा ये बताएं कि उनकी गेंद कैसी होती है? चपटी। शॉट मारो भारी नहीं जाती, पिच पे रहती है। चपटी गेंद, वेरी गुड। ये बताएं वहां छक्के मारे जाते हैं? छक्का नहीं होता वहां, सिर्फ चौका होता है। चौका कितनी दूर का होता है? बस पिच से बाहर गई चौका। वेरी गुड। मेहता साहब ये बताइए कि आपको खेल कौन सा पसंद है? पेल दूज। पेल दूज, पेल दूज। तो आगे पीछे कौन सी जिसने देखा उसकी, बचपन है ना, भूल गया तुम्हें। अच्छा पेल दूज की बात कर रहे हैं। पेल दूज पसंद है। वेरी गुड। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें सट्टा नहीं होता। वेरी गुड। ये बताएं आपको स्टार कौन सा पसंद है? मुझे स्टार तो नहीं पसंद है, सत्तार पसंद है। ये सत्तार कौन? अब्दुल सत्तार ईदी। वो क्यों? वो इसलिए कि जब भी पाकिस्तान में कोई मैच होता है वो स्टेडियम के बाहर 11 एम्बुलेंसें लेके खड़े होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी टीम का पता है, कभी पिच खराब, कभी गेंद खराब, कभी मौसम खराब, कभी एम्पायर खराब। कौम कब तक ये बहाने सुनेगी? जिस दिन भी कौम का दिमाग खराब हो गया एम्बुलेंसें काम आ जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाते हैं जी। तो नाज़रीन अभी आप परफॉर्मेंस देख रहे थे सलीम शेख और सलीम आफरीदी की। हाउ वाज इट? और अब मैं स्टेज पर दावा देने जा रही हूं चालबाज टीम से अयाज समो और सफदर हैदर को। आजा भाई, आगे क्या स्पीड ब्रेकर है? आ भाई, हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू? फाइन। अरे हाउ आर यू? पागल का बच्चा बोल रहा है, ठीक है। अरे हम पूछ रहे तुम कौन है? कौन है? तुम कौन है? तुम कौन है? 2 रुपए वाला कार्टून। अरे इसका मुंह से देखो, ऐसा लग रहा है नाक को अंडरलाइन किया हुआ है। तुम कौन है? कोई नई कार्टून फिल्म से बाहर आए? कौन है? तुम कौन? अरे हमारे गांव में आए। अच्छा रोटियां पकाते हो? बागसर है। अरे बागसर है हम। तो मैं को भी पहचान हो, रेसलर। रेसलर? वो नहीं है, वो गन। वो गन कौन है? वो गन हमारे शहर का है, उधर पैदा हुआ है। अरे ये कौन? पहलवान है, वो लड़ता जो नहीं लंबा से पीछे बाल है गंजा। अरे जिसका मुंह से साइड से टपकता है वो? अब तुमको पता होगा, इतना नजदीक से तो मैं नहीं जानता है। लड़ता तुमसे? अरे ओगन, अब्दुल ओगन। अब्दुल? तुम कौन है ये बताओ? मैं चिंची।
तुम्हारा नाम है? मेरा रक्षक का नाम है। अरे भाई तो चलाता कौन उसको? सीएनजी। अरे हमारा मतलब है संभालता कौन है उसको? अल्लाह संभालता है, पूरा कायनात को संभाल रहा है। तुम पागल वागल तो नहीं है? अरे भाई उसका पैसा कौन लेता है? जिसका रक्षा है वो पैसा लेता है, जिसने मेरे को किस्तों पे दिया हुआ है। अरे छोड़ो यार, तुम दिमाग खराब किए। हम बॉक्सर है। हाँ बॉक्सर है। बहुत अच्छा लतीफा है। मैं खुश हो गया। और सुनाओ, और वो भी बोलो जो तुम पहले बोलता था ना, पूरे पाकिस्तान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अरे अमनीता वो था, माशाल्लाह पूरा सुजुकी कोई पेक के गया है। अरे उसको तो देखो, हल्के आंच में जय सूर्या। अरे उसको छोड़ा, हमारा बात करो, हम बॉक्सर है। अच्छा बॉक्सर है। हाँ। एक मिनट। अरे अरे पून। हाँ पून है। अरे नया तुम्हारे? हाँ यार, ये असल में इसका कहानी है। क्या? मेरा दोस्त मेरे को रोज पून करके कहता था, तुम मेरा पून उठाता ही नहीं है, उठाता ही नहीं है। एक दिन उसके घर गया, मौका देख के उठा लिया। अरे चूरी का पून है, दिखाओ। किसका पून है? चूरी का। कौन? तेरी अम्मी का। चूरी का? अरे चूरी चूरी नहीं करते, निकाला चूरी, चूरी कर लिया। अच्छा। ओ चूरी का है। अच्छा तीफ। अरे पून जरा करो यार, इसमें पून कहाँ मिलाना है? कहीं भी मिलाओ, तुमको 1000 रुपए का इसमें बैलेंस है, 1000 रुपया है। अच्छा दिखाओ, मिलाओ। एक मिनट, नंबर बोलो। अरे करो ना किसी को। अच्छा 03900 52 33 0। ये 0 एक्स्ट्रा डाले। क्या हो गया? लड़की बोले पैसा नहीं है। मर्द के जुबान पे यकीन नहीं, लड़की ने बोला मान लिया। तुम लोग जब तक लड़की के कहने पे चलता रहेगा, ख्वार रहेगा। इसमें 1000 रुपये? अरे नहीं, 1000 रुपये लड़की ने बोला नहीं है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, नहीं मान रही? नहीं है। निकाल के दिखाए तो दिखाओ। ये देखो, अभी देखो, तुम मानता नहीं है। ये देखो, ये 1000 1000 रुपये 1000 रुपया भाई। अरे हम बॉक्सर है। बॉक्सर को छोड़ो, ऐसा बैलेंस डालो जिससे आटा भी आ सके। सही बात है। अरे तेरे को पता है? हाँ। इस्लामाबाद में वो नहीं होता? कौन? सेपू गेम्स। सेपू? अरे सेपुद्दीन गेम्स नहीं होता इस्लामाबाद में? कौन? अरे खेल नहीं होता इस्लामाबाद में, सेपू गेम्स। तो सीधा बोलो सेप गेम। हाँ वही सेप गेम्स। उर्दू तुम्हारा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। अरे बहुत अच्छा है। आप एक काम करो, ARY पे खबरें पढ़ा करो। और बल्कि पढ़ने का जरूरत नहीं है, कैमरा ऑन करके सामने बैठ जाओ, लोग मुल्क का हालात समझ जाएगा। अरे सेपू गेम्स में गया। अच्छा हमने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। ये गोल्ड मेडल नहीं है भाईजान, ये सिल्वर मेडल। अरे गोल्ड मेडल है ये, सिल्वर मेडल है। अरे गोल है। कैसे अंधा है क्या, गोल नहीं है? बात करते है। अच्छा तुमको वहां पे ऐसा मेडल मिल रहा था, कौन मॉडल? चोरस। अरे मेरे को ये बताओ, तुम लोग अमेरिका में था? हम अमेरिका में था। अरे उधर नाश्ते में क्या खाता तुम लोग? हम तो कुछ खाता नहीं खाता, वहां का पहलवान जो है ना ओगन मोगन। हाँ। वो उठ के सुबह बकरा दूध, फिर इतना सेब अंडे, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। अरे काना खराब का बच्चा, लोगों को बोलो इसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं, इसके बाद ब्रेक करो। ओगन के खाने पे तुमको एतराज हो रहा है? वो अमेरिका जो एक एक करके सब कंट्रियां खा रहे हैं वो। सही बात है, सही बात है। अरे तुम्हारा कोई मुकाबला हुआ उधर? किधर? अमेरिका में। मेरे तो हर 15 मिनट बाद मुकाबला हुआ था। तुम चोरी करता था? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हर जगह पे मेरा मुकाबला। अच्छा कोई किस्सा से सुनाओ। देखो मेरा कुश्ती हो गया ओगन चाचा से। अरे तुम ओगन के पीछे क्यों पड़े, तेरा साला है? हम लोग का कौम का है। अच्छा फिर क्या हुआ बताओ। तुम मेरा चेहरा देख रहे, मेरा ये नहीं है, ये नकली है, रबड़ का ही है, कैमरे का सपाही है। किसी दिन मेरे को बाहर लेके जाना, तुम फिर मेरे को बोलेगा उसका चेहरा याद आ गया भाई।
अच्छा किस्सा सुनो यार, अपना क्या हुआ था? मेरा कुश्ती हो गया। अच्छा ओगन जब इन हुए स्टेडियम के अंदर, अच्छा। लोग शोर कर रहे हैं, ये उनका जुबान इंग्लिश है। अच्छा अच्छा अरे ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हमको आता है। ऊ और उई का इंग्लिश क्या होएगा, ये अर जुबान में ये ऐसे ही होते हैं। अरे हमको इंग्लिश आता, हमसे इंग्लिश पूछो। अच्छा इंग्लिश बोल लो। क्या बोलेगा हम? अच्छा एक जुमला ये बोलो। बोलो कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आई एम पायनियर। उम्मीद क्या? I am pregnant. कुश्ती में रहूं। हाँ। ओगन आए। आए। सारे लोग तालियां बजा। हाँ। उई आ उई। उसको तो ऐसे ड्रेसिंग पहना के भेजा। अच्छा। मैं जब निकल रहा था, हाँ। मेरा नेकर बक्से में बंद हो गया। अरे। मेरे लिए मुसीबत। फिर मेरा ऐलान हो गया। मैंने पहला क्या किया, नेकर ढूंढने लगा। मैंने पहला बक्सा खोला, छोटा बक्सा निकाला, बड़ा बक्सा बंद किया, छोटा बक्सा खोला, छोटा बक्सा बंद किया, ब्रीफकेस निकाला, बड़ा बक्सा खोला, छोटा बक्सा रखा, बड़ा बक्सा बंद किया। अरे अरे तुम इधर कुश्ती लड़ने बक्सा बेचने आया भाई, तो तेरे चक्कर में बगैर नेकर के चला जाए। अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ? ब्रीफकेस खोला, थैला निकाला, ब्रीफकेस बंद किया, बड़ा बक्सा खोला, छोटा बक्सा निकाला, बड़ा बक्सा बंद किया, छोटा बक्सा खोला, ब्रीफकेस रखा, छोटा बक्सा बंद किया, बड़ा बक्सा खोला, छोटा बक्सा रखा, बड़ा बक्सा बंद किया, ब्रीफकेस से थैला निकाला, ब्रीफकेस बंद किया, बड़ा बक्सा खोला, छोटा बक्सा निकाला, बड़ा बक्सा बंद किया। क्या हो गया? हार गए ना? हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग सिर्फ बोलने का झगड़ा करते हैं। हमसे सिर्फ बोल के जीत लो ये बड़ा बात है, नहीं यकीन है तो ये देखो मर्द के बच्चे बैठे हुए हैं। मैं हमेशा आपको भी बोलेगा, देखो किसी से ऐसा मत लड़ो कि उसके दिल में बात रहे, हमेशा गले से गले मिलाओ, हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, हम एक रहेंगे तो पाकिस्तान भी रहेगा, थोड़ा दूर हो जाओ बदबू आ रही है। अरे हमको भी कुश्ती सिखाओ, हम जाके माइक टायसन से लड़ेगा उधर यार। हाँ लड़ नहीं तो बाहर लड़ो, माइक टायसन से लड़ेगा, माइक टायसन से लड़ेगा कुश्ती, ऐसे लड़ो उसका माइक तोड़ दे। तोड़ेंगे अरे लड़ो। अच्छा ठीक है चलो चलो पकड़ो। अरे एक मिनट, कुश्ती में कोई याद पकड़ते? अच्छा चलो एक बात सुनो, जो मैं बोल रहा है वो करो, जो मैं बता रहा है वो नहीं करना। चलो एक मिनट। अरे अभी क्या हुआ? कुश्ती में कोई पैर पकड़ते? जो मैं कह रहा है वो करो, जो मैं बता रहा है वो नहीं करना। चलो पकड़ो एक मिनट। कुश्ती के अंदर कोई सर पकड़ते? अरे तो फिर क्या कुश्ती में चोला काटे? कुश्ती के अंदर सिर्फ बैठ के देखता है, जैसे मैं टीवी में ओगन को देखता रहा। अरे खुदा का कसम, हम लोग पाकिस्तानी के पास इतना पैसा नहीं, सहूलत नहीं है। जिस दिन हम लोगों के साथ ही आ गया, जिस दिन हम लोग सब मुत्तहिद हो गया, बड़ा से बड़ा मुल्क आ जावे, हमारे सामने चकना चूर हो जाएगा। तेरे को जलसे में गोली लगेगा। चलो अरे दफा हो जाए, जलसे में गोली लगेगा। जी तो कॉमेडी के स्टेज पर किसने छुड़ाए किसके छक्के और कौन रहा 100 पर नॉट आउट, तमाशाइयों के कह के हमें सुनाई देने चाहिए। कौन रहा इस कॉमेडी खेल में हिट और कौन रहा सुपर हिट, हमें टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि थर्ड एम्पायर आप ही हैं और आप ही का फैसला माना जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि अब आप कॉमेडी किंग्स की अपडेट्स हासिल कर सकते हैं अपना कराची FM 107 और रेडियो आवाज़ पर। इसी के साथ हंसते हंसते अब मुझे नताशा अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी टीम चालबाज की और मैं हूँ उसका कैप्टन, तो हमें जिताने के लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा SMS कीजिए, और SMS करने के लिए हमारा एड्रेस है CK SPACE CB और सेंड कर दीजिए 2791 पे। कुल कॉम को जावेद नजात की तरफ से अस्सलाम वालेकुम,
मैं गोलीबाज टीम की तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ, आपने हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखी होगी, हमें वोट कीजिए SMS के जरिए। नो 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 नहीं, नंबर बताओ। CK SPACE GB 2791 पर SMS करें, ठकड़क 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 ठकड़क। नो 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 बल्कि मैं तो कह रहा हूँ फटाफट फटाफट फटाफट।